यहाँ पर ये देखें ये और ये यकीनन यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई है। ये देखें बोल रहा है, जैसे जैसे हम सिटी मारते हैं वैसे वैसे ये भी मारते हैं। ये देखें आ गई हैं दोनों भागकर। ये देखें माशाल्लाह, ये रहा जी माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़ा हो गया शुमार। भीग रहे थे, मैंने फौरन से इनको जो है यहाँ ऊपर वाले इस खाने में जो है वो शिफ्ट किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चिली मिली को हमने आज अलग अलग बंद किया हुआ है क्योंकि ये अपनी रस्सियाँ जो हैं वो फंसा लेती हैं और फिर उसके बाद इनका गला जो है ना वो दब जाता है। इस वजह से मैंने इनको जो है वो किला बांधा हुआ है, इनको दूध पिला दिया हुआ है मैंने और हमारी मुर्गी ने अपना अंडा भी दिया हुआ है। 6 अंडे हो गए हैं, अपना 6वां अंडा भी जो है मुर्गी ने दे दिया। ये मेरा ख्याल है रात को दिया होगा क्योंकि मैंने जो है ना रात के टाइम नहीं चेक किया था ये वाला अंडा। रोज़ ही मुर्गी देती है अंडा लेकिन कल मैंने चेक नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा अंडा चेक करना, तो ये कल का ही दिया होगा इसने। तो अब 6 अंडे हो गए हैं, 5 जो अंदर रखे हुए हैं और एक ये वाला 6 हो गए। और यहाँ पर वो ये चूजे को क्या हुआ है? अच्छा वैसे ही बैठा हुआ है दोस्तों, वो अंदर बैठा हुआ है और इनको जो खाना डाला था इन्होंने अपना सारा खाना फिनिश कर लिया है। और दोस्तों एक जो है वो बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ ये है कि जब सुबह मैं ऊपर आया ना इनको देखने के लिए तो मेरी नज़र पड़ी है कि हमारे ये जो फिंचेस है ना इनमें से एक जो वाइट कलर की फिंच है ना वो दोस्तों मर गई। वो मैंने ना फिर यहाँ ऊपर रख दी थी। ये देखें ये देखें दोस्तों, ये हमारी इतनी प्यारी जो चिड़िया है ना ये बेचारी वो मर गई है। क्या हुआ है यार? ये देख अर्शमान, जब मैं सुबह दाना डालने आया था ना पता नहीं क्या हुआ है, बाल भी इसके उतरे हुए हल्के हल्के। या मुझे लगता है इनकी दोस्तों शायद लड़ाई हो गई है, मुझे लगता है जैसे इसके बाल उतरे हुए हैं ना। ये देख इसको रोशनी में कर दे रहा, ये देख इसके बाल उतरे हुए हैं, ये देख रहा उतरे हैं यहाँ से भी, ये इस साइड से भी मारा इसको। एक मिनट कैमरे में तो दिखाने दे मुझे, ये यहाँ पर ये देखें ये मारा और ये यकीनन यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई है, इस वजह से जो है ना इन्होंने जो है ना इसको मार ही दिया है दोस्तों। तो अब जो है ना इसको दफनाना है। और दोस्तों मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या कहता है फिर मुर्गी को खोल दें दोबारा से आज खोल दे? नहीं ये उस साइड से बाहर निकाल। ये देखें सारे दरवाज़ा हमने खोल दिया इनका, अब ये बाहर आएंगे और बाहर आके मुर्गी के साथ करेंगे जी सैर। और आज दोस्तों हाँ आपको पता है हम नया दाना लेकर आए थे तो हमने आज अपना पहले नया दाना साफ़ करना है, उसके बाद जो हमारे पास ख़राब दाना होगा ना उसमें से जो सही सही दाना होगा फिर हम मशीन के ज़रिए वो साफ़ दाना निकाल लेंगे। तो आज हमने जो है ना अपना सारा सीड जो है ना दाना वो सारा क्लीन कर लेना है, ठीक है अर्शमान? पेंटम मुर्गा मुर्गी भी बाहर आ गई हैं तो हमने अपने चूजे सैर करवा के वापस से बंद कर दिया इनको क्योंकि हम बाकियों को खोलने लगे थे। और यहाँ पर हमारी डक्स दोस्तों आराम कर रही हैं। ये देखें अंडा लिया है, ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये हमारा हो गए 6 अंडे हो गए, अब 6 ही और देगी फिर उसके बाद हम मुर्गी को बिठाएँगे जी इन अंडों के ऊपर। तो यहाँ पर हैं जी अंडे पड़े हुए, ये देखें 5 और ये हो गए दोस्तों 6 अंडे। इनको छोड़ के देखिए उनके साथ चूजों के साथ मारेगी मेरा ख्याल है मुर्गी, अगर मारेगी तो आपको कर अब उन रहने देते हैं, पहले भी एक मर गया था। पता है जो कल बच्चा मरा था ना उसकी जगह किसी ने अंडा दे दिया। क्या हुआ मतलब? जो कल जो बच्चा नहीं मरा था अंडे के अंदर उसकी जगह किसी और डक ने इसी के अंदर अंडा दे दिया। यही पे अंडे दे दिए, अब इधर फिर से 4 अंडे हो गए। वो मुझे लगता है जो इधर अंडे दे रही थी ना उसने इधर अंडे दे दिए, ऐसा ही हुआ होगा। मैं दोस्तों ये देखें जी माशाल्लाह लवबर्ड और ये हमारे कॉकटेल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। सीटी मार अर्शमान जी भी बोलेंगे, ये देखें बोल रहा है, जैसे जैसे हम सीटी मारते हैं वैसे वैसे ये भी मारते हैं।
चुप कर दे रहा, ये भी चुप हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है हमारे बजीज का जो है वो एक बच्चा निकला हुआ था माशाल्लाह, वो दोस्तों काफी बड़ा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके पर वगैरह भी आ गए हुए हैं सही तरह, और वो मटकी से भी अब जो है ना बाहर आने की फुल कोशिशों में है। ये डर गए हैं जी तोते हमारे। ये देखें दोस्तों, ये बैठा हुआ अंदर, ये रहा जी माशाल्लाह। ये देखें कितना बड़ा हो गया शमान जी। अब ये बाहर निकलेगा तो इन्होंने दोबारा से अंडे देने हैं, तो इंशाल्लाह दोस्तों ये जल्दी निकल आएगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट है ब्लू कलर का। आज हमने पहले जो है ना बड़ी मुर्गियों को सैर करवानी है, जैसे किंग और क्वीन, सिल्वर स्प्राइट और बैंटम। उसके बाद हम अपने चूज़ों को खोलेंगे, वरना चूज़े ना फिर इनसे मार खाते हैं। क्या हुआ, ये चिली मिली को भी खोल दे, इनको भी ज़रा भगा इधर सैर करवा। नहीं देते नीचे। ये देखें जी, छोटी मुर्गी ने इतनी बड़ी मुर्गी को मारा। अभी चिली मिली को खोल दिया और ये सीधा अर्शमान के पास गई। अर्शमान इनको लेकर इधर आ रहा धूप में। ये देखें आ गई हैं दोनों भाग कर। ये देखें माशाल्लाह बहुत तेज भागती है यार ये तो। वो उसको कुछ नजर आ गया उधर, देखी बस ये शॉपर ना खाएं। किधर गई, इधर आओ चिली। हाँ वो उठा, इनके पाँव में ना लग जाए। चिली मिली ने अर्शमान को जो है वो तंग कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, घर बैठे वर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा जी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसमें आप इजीली जाएं, वहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करें लिंक के ऊपर, वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दें तो वो आपसे जो है ना डायरेक्ट जो है वो रब्ता करेंगे और आपको जो है ना सारे ऑनलाइन वर्क के बारे में बता देंगे। अच्छी खासी इनकम बन जाएगी आपकी, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कोई करना चाहता है। और अर्शमान इनको बंद तो कर दे, किंग कर दिए बंद, किंग और क्वीन को बंद कर दिया है। अब ये चिली मिली की बारी है, अब ऐसे इसके साथ बंद करवा दे यार चिली मिली को, यहाँ पर उसको बंद मिली को। हाँ नहीं पकड़ी गई, वो आ गई आ गई। पहले उधर ले जाना इसको। क्या खा रही हो चिली, हैं क्या खा रही थी। यहाँ पर है दोस्तों हमारी सीड वाली क्लीनर वाली मशीन, इसको दोस्तों चलाने लगे थे और दाना साफ़ करने लगे थे, और दाना भी हमने दोस्तों बाहर रखा था साफ़ करने के लिए। ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ दाना, तो ये साफ़ करने के लिए हमने बाहर लेकर आए थे कि यहाँ पर रखकर मशीन चलाएंगे, क्योंकि यहाँ स्विच लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि लाइट चली गई जब हम काम करने लगे थे। इसको मैं इधर रख दूँ। जब हम दोस्तों दाना साफ़ करने लगे थे तो लाइट चली गई, तो फिर हम जो है वो, क्योंकि ये तो बिजली से चलती है मशीन, फिर हम रुक गए। हमने कहा चलो जब आएगी तब वो जो है ना साफ़ कर लेंगे, लेकिन लाइट जो है ना वो आई नहीं काफ़ी देर। तो अब दोस्तों आ गई है, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। अब आप देखें रात भी हो गई है, और फिर ना अब यही सोचा कि कल जो है ना, कल ये वाला जो दाना नया लेकर आया था ना मैं, ये हम सुबह के टाइम ही जो है ना वो साफ़ करना शुरू कर देंगे। अभी नहीं कर सके तो इंशाल्लाह बस अल्लाह करे कल लाइट ना आ जाए। पटेर ने कहाँ पर, माशाल्लाह दो हो गए अंडे, एक मैंने पहले भी निकाला था। हाँ ये सामने दो पड़े हुए अंडे। और दोस्तों आज हमारी प्यारी सी जो फिंच है वो भी मर गई, और हमारी सारी डव्स ने ना, सारी डव्स ने, चार ही फीमेल हैं, चारों ने ही यहाँ पर अंडे दिए हैं। यहाँ पर टोटल आठ अंडे इन्होंने दिए हैं, दो इन्होंने ज़ाया किए हैं, दो में से बच्चे निकले हुए हैं। इसके अलावा चार अंडे जो हैं अभी भी इनके नीचे ही पड़े हुए हैं, आठ एक ही जगह में। यहाँ पर आठ अंडे दिए हैं इन्होंने एक साथ, छः थे, दो जो इधर जिसने घोंसला बनाया ना उसने भी इधर अंडे दे दिए दो। गड़बड़
बहुत तेज़ दोस्तों बारिश होने लग गई थी, और बारिश जो है वो अभी रुकी है, काफ़ी देर से हो रही थी, और हमारे चूज़े जो हैं वो यहाँ नीचे थे, भीग रहे थे। मैंने फ़ौरन से इनको जो है यहाँ ऊपर वाले इस खाने में जो है वो शिफ्ट किया, तो अब ये जो है ना पहले से बेहतर हैं। और हमारे चिली मिली जो है उनको हम नीचे ले गए हैं, क्योंकि बारिश जो है दोस्तों हवा तेज़ थी, बारिश भी थी, बिजली भी थी, तो हमने ना चिली मिली को यहाँ से नीचे ले गए। और सिर्फ हमारे ये सारे पिंजरे जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन अरशमान एक काम ख़राब हुआ यार, यहाँ कबूतरों के केज में ना दोस्तों ये ऊपर से देखें ये स्लैपों में से ना पानी आ रहा है, तो वो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ ऊपर ना दोस्तों कोई चीज़ नहीं हमने रखी हुई, तो इसके ऊपर दोस्तों रेत डालनी थी, इसका एक अलहदा से फर्श बनना था, तो वो भी नहीं बनाया हुआ, इंशाल्लाह जल्दी बना लेंगे। फिर ये जो थोड़ा सा पानी गिर रहा है ना ये भी नहीं आएगा, बाकी किसी केज में दोस्तों पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी साफ़ है, ये देखें ये वाला केज भी जो है वो बिल्कुल साफ़ है, ये देखिए हमारी बेंटम मुर्गा मुर्गी बैठे हुए आराम से। तो दोस्तों अब जो बारिश होगी है ना इससे बहुत ठंड हो जाएगी, तो अब हम मैं ना इनका कोई इंतज़ाम करूँगा, इनके जो केजीज है ना और सामान उनमें बल्ब लगाने हैं यार। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग, फीड हमने क्लीन करनी थी आज, लेकिन लाइट की वजह से नहीं कर सके, अब फिर से लाइट चली गई थी जब बारिश हुई है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पेंट, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।